एक्सेल चार्ट एंड ग्राफ सीरीज में सबसे पहले आप लोगों को मुखातिब कराना चाहूंगा हाइब्रिड ऑफ टू और मोर चार्ट जिसका नाम है कॉम्बो चार्ट। तो सबसे पहले बात होगी कॉम्बो चार्ट की, फिर स्कैटर चार्ट, उसका दूसरा भाई बबल चार्ट, और फिर हम बात करेंगे मैप चार्ट। तो मैं एक एक करके इन चार्ट्स का एग्जांपल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कॉम्बो चार्ट की, किस सिचुएशन में कॉम्बो चार्ट। तो कॉम्बो चार्ट कहलाता है, अ कॉम्बो चार्ट इज अ हाइब्रिड ऑफ टू और मोर चार्ट टाइप्स, दैट मींस दो या दो से ज्यादा चार्ट के जो टाइप होगा उसको जब आप मर्ज करेंगे, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका कॉम्बो चार्ट। जैसे कि कॉलम चार्ट प्लस लाइन चार्ट का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड हो गया ना, वो कहलाएगा आपका कॉम्बो चार्ट। जैसे कि मेरे पास ये रहा डेटा सेट, मंथ है, प्रोडक्टिविटी है और आपके पास टारगेट रखा हुआ है, इसके बेस पे अगर मैं कंपैरेटिव रिपोर्ट बनाऊं तो मैं यहां पे कॉम्बो चार्ट कैसे ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए, इंसर्ट में जाएंगे, कर्सर वहां रख दिया, इंसर्ट में गए और मैंने ले लिया पहले कॉलम चार्ट, ले लिया, देख लीजिए आप इस तरीके से आपका कॉलम चार्ट आ गया। अब इसमें हर एक मंथ के लिए दो है ना, प्रोडक्टिविटी भी है और टारगेट भी है, तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। प्रोडक्टिविटी और टारगेट में डिफरेंशिएशन की बात करो तो पता ही चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो कि भाई प्रोडक्टिविटी और टारगेट इन दोनों में कौन सा प्रोडक्टिविटी है, कितना टारगेट अचीव हुआ, अगर ऐसा देखना हो अच्छे क्लियर व्यू के साथ, तो आपको क्या करना है, ये जो ऑरेंज वाला है, ठीक, ये क्या है, मेरा टारगेट है, और ये जो ब्लू है ये प्रोडक्टिविटी है। हम क्या करेंगे, ये जो टारगेट है इस पे राइट क्लिक किया, कर देने के बाद अब आप चले जाएं चेंज चार्ट टाइप, चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक किया और यहां से कुछ नहीं करना है, ये जो टारगेट था ना इस पे क्लिक कर दीजिए, क्लस्टर्ड कॉलम लाइन, अब किसमें कन्वर्ट हो गया, देख लीजिए हो गया लाइन चार्ट में कन्वर्ट। अब आप प्रेस कर दीजिए ओके, तो देखिए एक चार्ट आपका कॉलम रह गया और दूसरा लाइन। अब इस टाइप से चार्ट के आ जाने के बाद दोनों कंबाइन हो गया ना, कॉलम और लाइन चार्ट दोनों कंबाइन हो गया। अब इसमें अगर आपको डेटा लेवल से ऐड करना हो तो इस पर राइट क्लिक करके इसके लिए डेटा लेवल से ऐड कर लीजिए, और सेम कहानी इसके लिए भी डेटा लेवल से ऐड कर लेंगे, तो दोनों में पता चलेगा कि ये प्रोडक्टिविटी है और ये टारगेट है, कर लेंगे। उसके बाद अगेन टू शो कंपैरिजन रिपोर्ट ऑफ टू सेट ऑफ वैल्यूज, अगर ऐसा सिनेरियो आए तो उसके लिए फिर से एक चार्ट बता रहा हूं जिसका नाम है स्कैटर। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए एज ऑफ वाइफ है और एज ऑफ हस्बैंड है, ठीक है, तो कंपैरिजन तो बिल्कुल बढ़िया बनता है इसमें, ठीक। तो यहां पे ऐसे सिचुएशन में अगर आप स्कैटर को ड्रॉ करेंगे चार्ट, तो देखिए कितना बढ़िया इसका जो क्लियर व्यू आपको दिखेगा। इंसर्ट में जाइए और ये कहलाता है आपका स्कैटर चार्ट, देख रहे हैं, तो इसमें से मैं ये वाला चार्ट ले लिया स्कैटर, ठीक है, ये आ गया जी हमारा एज ऑफ हस्बैंड। अब अगर मैं इसका डेटा वैल्यू ऐड करना चाहता हूं तो यहां से लेबल ऐड कर दीजिए, ये रहा ऐड डेटा लेवल्स, ठीक है, ये कहलाएगा आपका स्कैटर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी मैं सारे चार्ट सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि इन इन टाइप के चार्ट हमें आगे यूज करने हैं, इसका डिटेल वर्जन बहुत जल्द, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा चार्ट, स्कैटर। इसी चार्ट का दूसरा भाई वो कौन सा है, वो है हमारा बबल चार्ट। तो बबल चार्ट इज अ वेरिएशन ऑफ स्कैटर चार्ट, ठीक है, इन विच द डेटा पॉइंट्स आर रिप्लेस्ड विद बबल्स, जो आपका डेटा पॉइंट होगा उसको बबल्स के रूप में दिखाएगा। और साथ के साथ जैसे स्कैटर चार्ट में अगर आप ध्यान दें, लाइक स्कैटर चार्ट अ बबल चार्ट डज नॉट यूज अ कैटेगरी एक्सिस, मतलब स्कैटर चार्ट में भी आपको कहीं कैटेगरी एक्सिस नहीं दिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सिर्फ वैल्यू एक्सिस दिखेगा आपको स्कैटर चार्ट में और बबल चार्ट में। यहां पे कैटेगरी एक्सिस जैसी चीज अवेलेबल नहीं होती है, सिर्फ वैल्यू बेस्ड प्रेजेंटेशन देता है। तो इस टाइप का अगर डेटा हो, एज ऑफ हाउस, केमिस्ट टू सिटी और उसकी वैल्यू अगर आपके पास हो, तो इसके बेस पे आप लोग जब बबल चार्ट बनाएंगे तो उसका और बिल्कुल क्लियर व्यू दिखेगा। ये हमारा बबल, देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड बबल चार्ट। जैसे जो आपका वैल्यू सेट है, जो डेटा सेट में वैल्यू है उसका जैसा डायमेंशन होगा उसी के बेस पे बबल बनेगा, है ना। तो ये है आपका बबल चार्ट, ये उसी का वेरिएंट है, मतलब स्कैटर चार्ट का ही दूसरा वेरिएंट है आपका बबल। अब इस डेटा को देखिए, इसमें कंट्री है, उनका जीडीपी है, उनका पॉपुलेशन है और टोटल परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन निकाल कर रखा हुआ है। ऐसे सिनेरियो में किसकी जरूरत, आपको देख के क्या लग रहा है, ये डेटा आपको देख के लग रहा है कि इसके बेस पे कौन सा चार्ट सटीक बैठेगा, इसके बेस पे चार्ट सटीक बैठेगा मैप, है ना। पॉपुलेशन तो एरिया वाइज अगर मैं पॉपुलेशन देखना चाहूं तो चाइना का कितना है, इंडिया का कितना है, यूनाइटेड स्टेट्स का कितना है, तो यहां पे बहुत बढ़िया चार्ट एक बता रहा हूं जिसका नाम है मैप चार्ट। तो आपका एक्टिव कर्सर कहां, इनसाइड द डेटा सेट, और हम चले गए कहां पे, इंसर्ट टैब, और यहां से आपको दिखेगा मैप,
ये रहा हमारा मैप चार्ट, बिल्कुल क्लियर व्यू, एक एक आपको क्लियर व्यू दिखेगा मैप चार्ट के केस में अगर देखें तो। देख लीजिए, तो मैप चार्ट कब यूज करेंगे, जब आपको ज्योग्राफिकल रिपोर्ट बनाना हो तब हम यूज करते हैं मैप चार्ट। तो मैंने आज आप लोगों के सामने रखा है बेसिक्स ऑफ कॉम्बो चार्ट, स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट और मैप चार्ट। इन चार्ट्स का यूज किस टाइप के डेटा सेट पे कौन से सिचुएशन में किया जाएगा वो मैंने आपसे डिस्कस किया। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम लोग सारे चार्ट के टाइप को जान रहे हैं, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करते जा रहा हूं मैं हर एक चार्ट के टाइप को। और इन सारे चार्ट के टाइप को जान लेने के बाद फिर हम किसकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे डायनामिक चार्ट। इस उम्मीद के साथ कि जितना इंपॉर्टेंस आप लोग फॉर्मूला को देते हैं चार्ट एंड इन्फोग्राफिक्स उससे 1% भी कम नहीं है, ये आपको वक्त के साथ समझ में आएगा। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या करवा रहा है, ये मैं क्या करवा रहा हूं, धीरे 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 जब आपको जरूरत पड़ने लगेगी, कहीं जब जॉब करेंगे तो सारे समझ में आएंगे, वो मैप चार्ट क्या पागल समझाता था, वो कॉम्बो चार्ट, वो स्कैटर, वो बबल। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग लगातार सीखना कभी भी बंद नहीं करेंगे, चाहे आप जॉब में रहिए चाहे अभी आप लर्निंग फेज में हैं, बट सीखना जारी रहनी चाहिए। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द किसी न किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके बेहतर भविष्य के लिए।